हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती चौहान। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस योर नाइन्थ क्लास सोशल साइंस वर्कशीट, और जिसका वर्कशीट नंबर 25 और जिसकी डेट है 1 सितंबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमने पहली दो वर्कशीट पढ़ी हैं सोशल साइंस की, वो हमने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ी हैं। ये उसका पार्ट थर्ड है रूसी क्रांति का। तो पहले हमने देखा था समाजवाद क्या है, रूसी क्रांति क्या है। आज की इस वर्कशीट में कुछ इसी से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों को पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या आए। जब 20वीं सदी के शुरुआत में जो रूसी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी, पूरी तरह से डिपेंड। किस तरीके से कि अगर 100% लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसमें से 85 लोग क्या करते थे, खेती करते थे। मतलब 85% लोग ऐसे थे जो खेती से जुड़े थे। तो इसका मतलब उनकी इकोनॉमी किस पे बेस्ड थी, कृषि पे। परंपरा के रूप में छोटे किसान जो होते थे ना, जो उनकी भूमि होती थी वो मीर को दे देते थे और सामूहिक खेती करते थे, है ना। हमने पहले पढ़ा था सामूहिक खेती करना, तो सामूहिक खेती करते थे। अब बड़े जमींदार जो हैं उनको एक तो कुलक कहा जाता है। अगर ये आ गया, बड़े जमींदारों को क्या कहा जाता है, कुलक कहा जाता है। वो नहीं चाहते थे कि सामूहिक खेती हो, है ना। जो देहात में, मतलब गाँव में जो बड़ी संपत्ति थी, जमीन थी, जमीनों के मालिक चर्च, राजशाही और सामंत थे। मतलब उनके मालिक हुआ करते थे या तो चर्च होती थी या फिर राजशाही या बड़े बड़े सामंत, ये लोग मतलब उसके मालिक होते थे। आप देखो, रूस में औद्योगिकरण को बता रहे हैं। यूरोप में वैसे तो बहुत दिन से चल रहा था ये औद्योगिकरण, लेकिन रूस में और दूसरे देशों के मुकाबले लेट आया। 1918 से 1990 के दशकों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में उद्योग और कारखाने स्थापित हुए, ठीक है। ये अब हुए यहाँ पे आके सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। कारीगर वर्कशॉप में और मजदूर कारखानों में काम करने लगे। जैसे कि आप जानते हो, कारीगर वर्कशॉप में काम करेंगे और मजदूर कारखाने में काम करते थे। कारीगर अपने आप को लेकिन सुपीरियर समझते थे कि मजदूर छोटे हैं और हम बड़े हैं, ठीक है। अब रेल मार्गों के विस्तार से लोह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग विकसित होने लगे। क्योंकि अब रेल मार्ग बन रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी चाहिए, तो ये चीज़ भी क्या होने लगी, लोह इस्पात, कोयला खनन, धातु प्रगलन और मशीनरी उद्योग, ये बढ़ने लगा। अब रूस में औद्योगिकरण पूंजीपतियों की निजी संपत्ति के रूप में हुआ, ठीक है, निजी संपत्ति के रूप में हुआ वहाँ पर जो औद्योगिकरण हुआ है। मजदूरों को कम पैसे में कम वेतन देना पड़ता था और 12 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, ठीक है। महिला जो काम करती उनको पुरुष के मुकाबले में कम वेतन मिलता था, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। जो मजदूरों की दशा थी वो बड़ी शोचनीय थी, उसमें अक्सर ना तो उसमें बेहतर सुविधा मिलती थी ना अच्छा वेतन मिलता था, तो इसलिए वो असंतोष की ज़िंदगी में रहते थे। मतलब उन्हें वो संतोष नहीं रहता था उनकी लाइफ में। मजदूर संघ भी बनाए जाने लगे अभी इसी बीच, और जब मांगे बढ़ने लगी, तो तुम्हें पता ही है जब मांगे बढ़ती और पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हड़ताल होने लगी, प्रदर्शन होना अब कॉमन चीज़ बन गई। शुरू में तो ये माना जाता था कि मजदूर नहीं बल्कि किसान ही समाजवादी की क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे, क्योंकि जो कृषि है वो बड़े लेवल पे थी। तो ये माना जाता था कि मजदूर नहीं, किसान ही होंगे जो समाजवादी जो क्रांति होगी उसका मेन जो हिस्सा, जो समाजवादी क्रांति करेंगे वो करेंगे किसान। लेकिन लेनिन का जब नेतृत्व आया, लेनिन ने जब लीड करा, तो बोल्शेविकों का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं होती और अनुशासन का अभाव है, ना तो वो डिसिप्लिन में रहते हैं और ना वो एक साथ काम करते हैं। इसलिए क्रांति की बागडोर अब दे दी गई, किसानों के हाथ में नहीं दी बल्कि मजदूरों के हाथ में दे दी। मतलब जब तो ये लग रहा था किसान ही संभालेंगे, लेकिन क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं था, अनुशासन नहीं था और एक साथ मिलके काम नहीं कर सकते थे, तो मजदूरों के हाथ में दे दी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर प्रभाव। अब जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला विश्व युद्ध हुआ, उसका रूस पे क्या इफेक्ट पड़ा, अब देखते हैं। अब युद्ध के कारण रूस में क्या हुआ, जब रूस का जर्मन से युद्ध हो रहा था तो अब जर्मन विद्रोह तो हो गई,
है ना, जर्मन के विरोध में तो हो जाएगा। मान लो हमारा किसी से युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, तो हम लोग क्या पाकिस्तान का विरोध करने लगेंगे? जैसे अभी चाइना का हुआ था, तो हमने क्या करा, चाइना की चीज़ें जलानी शुरू कर दी। तो ऐसे ही वहाँ पे हुआ कि युद्ध, अब जर्मन विरोधी भावना आ गई सब जगह। और जो सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम था, उसका भी नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रख दिया, पेत्रोग्राद रख दिया। पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर रूसी सेना, अब बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा था, बहुत कठिन युद्ध चल रहा था, लाखों लोग मारे गए, लाखों अपने देश में शरणार्थी हो गए। अब हार रही थी जो रूसी सेना, अब वो पीछे हटते हुए फसलों और इमारतों को नष्ट करती जा रही थी, क्योंकि वो पीछे को हटती जा रही थी, अब कुछ भी आ रहा था उनके मार्ग में वो खराब होता जा रहा था। दोनों मोर्चों पर हार हो गई, कृषि व्यापार और उद्योग सब चौपट हो गए। कहाँ पे, ये रूस की बात हो रही है, रूसी शासकों ने जनता और सेना का असंतोष उड़ गया। मतलब अब वहाँ पे ज़्यादा जब प्रॉब्लम होने लगी, जब वहाँ पे दिक्कतें हो रही थी, अब लोग भी परेशान थे वहाँ पे। अब देखो 1917 की क्रांति के बारे में पढ़ो, 1917 की जो क्रांति थी वो कैसे हुई। फरवरी 1917 में भीषण सर्दी में पेत्रोग्राद, जो पीटर्सबर्ग था ना, उसका नाम पड़ा था ना पेत्रोग्राद, वहाँ जो पेत्रोग्राद में जो मजदूरों के इलाकों में अब अनाज कम पड़ गया, मजदूरों ने तो हड़ताल कर दी। और 22 फरवरी को महिलाओं के नेतृत्व में अब सरकारी इमारतों का घेराव किया गया, मतलब औरतों ने लीड करा, जो वो घेराव करने गए वो भीड़, वहाँ पे औरतों ने लीड करा। जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने का प्रयासों का पुरजोर विरोध किया गया, मतलब वो कह रहे थे कि ड्यूमा को हमें ख़त्म करना है, तो अब वो जार उसको उसका विरोध कर रहा है, विरोध किया उसने। 27 फरवरी को सेना की एक टुकड़ी ने प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर बगावत कर दी। ठीक है, ये समझ में ही आया होगा, है ना, क्योंकि अब उन्होंने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि हाल खराब थे जनता के, वो नहीं चाहते थे कि अपने ही लोगों पे गोली चलाएं। मजदूरों और सैनिकों की बनाई सोवियत ने 2 मार्च को अंतिम सरकार बनाई। अब ये मजदूरों ने बनाई थी जो सोवियत, उन्होंने अपनी अंतरिम सरकार बनाई और जार को अब राजगद्दी छोड़नी पड़ी, है ना। हमने थोड़ा सा ये हमने शॉर्ट में पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, अब ये पूरा डिटेल में है। देश का शासन चलाने के लिए जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से चुनी संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया गया, कि अब उन्होंने सोचा, अब क्योंकि भाई देश का शासन अब उसने जो जार था उसने तो छोड़ दिया था, अब उन्होंने कहा कि हम जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो वोट करेंगे और उनसे संविधान सभा बनेगी, तब होगा सब कुछ। जो पेत्रोग्राद सोवियत संघ की तर्ज पर रूस में 500 से अधिक क्या सोवियत चुनी गई, है ना, जैसे पीटर्सबर्ग में हुआ था उसी के तरह से 500 से ज़्यादा सोवियत चुनी गई। देहातों में किसान जमीन के बांटने पर जोर देने लगे कि भाई अब किसान भी बोलने लगे जमीन को बांटो। और इस प्रश्न पर अंतिम सरकार और बोल्शेविक के बीच बहुत मतभेद सामने आए कि ये सही नहीं है, अब दोनों में डिफरेंस आ रहे थे। अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ट्रोटस्की के नेतृत्व में पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, है ना। जब 1917 में अब लेनिन ने इसको मना लिया ट्रोटस्की को, कि अब हम उसको, उन्होंने बोला कि सोवियत और बेलोस्का पार्टी को सत्ता पर अब हम कब्जा करेंगे। 24 अक्टूबर को अब विद्रोह शुरू हो गया और दिसंबर तक जो मॉस्को पेत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया, मतलब अब बोल्शेविक ने अपने कब्जे में ले लिया उसको। बोल्शेविक द्वारा लाए गए बदलाव, अब उन्होंने जब बोल्शेविक ने कब्जे में ले लिया तो उन्होंने क्या क्या बदलाव करे, बैंकों उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, पुरानी सामंती पदवियां समाप्त कर दी, जो पहले बने आ रहे थे ये जमींदार है ये सामंत है वो सब खत्म कर दी, किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट दे दी, मतलब अब किसान अपनी खेती रख सकते हैं, पहले तो सामंतों के अंडर रहती थी ना सब कुछ। और शहरों में बेघर बारों मजदूरों के लिए अब उन्होंने किसकी फैसिलिटी करी, रहने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो ये था रूसी क्रांति के बारे में। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखो पहला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में रूसी समाज में किस किस प्रकार के आर्थिक बदलाव आए,
तो आप ये लिख देंगे कि 20वीं सदी में रूसी समाज में आर्थिक बदलाव क्या है, रूस की आर्थिक संरचना पूरी तरह बदल गई व्यक्तिगत, ये आप देखिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। आप देखिए दें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, रूसी औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ये कि रूसी औद्योगिकरण की विशेषताएं निम्न हैं, कारीगर वर्कशॉप में तथा मजदूर कारखानों में काम करते थे, और ये देखिए सेकंड पॉइंट है इसका, और ये है थर्ड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है और ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति के लिए किस प्रकार आधार तैयार किया, मतलब जो विश्व युद्ध हुआ तो उसने कैसे एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि रूसी क्रांति के लिए, मतलब उसी से तो लोगों में ज़्यादा भावनाएं जागृत हुई थी। तो ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में जर्मन विरोधी भावनाएं विकसित हो गई, रूस की सेना हारती हुई फसलों को इमारतों को जाग रही थी, दोनों मोर्चों पर हार के कारण कृषि व्यापार और उद्योग चौपट हो गए, जिससे रूसी शासकों के प्रति सेना का असंतोष बढ़ गया और वहीं से क्या हुई, रूसी क्रांति शुरू हो गई, ठीक है बच्चों। आप देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में किन किन बदलावों की घोषणा की, तो फिर उन्हें क्या क्या बदलाव करने पड़े, ये देखिए बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में निम्न बदलावों की घोषणा करी। एक तो उन्होंने ये करा, बैंकों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जमीन को सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया, पुरानी सामंती पद को समाप्त कर दिया और सामंती जमीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 25। होपफुली आपको समझ आई होगी, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है मेरी वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।